नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्ज्वल मिश्रा। मेरठ की सड़कों पर आज नजारा राममय दिखा। जहां टीवी सीरियल रामायण के राम यानी अरुण गोविल थे, तो उनके साथ सीता यानी दीपिका चिखालिया थी। चुनावी रण में टीवी के राम का साथ देने पहुंची थी रियल लाइफ की सीता। यूपी की मेरठ सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है और इस बार तो अरुण गोविल के उतरने के बाद सबसे हॉट सीट बनी हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह अरुण गोविल ही है। दरअसल मेरठ से रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को ही बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। मंगलवार को गोविल के समर्थन में रामायण में मां सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखालिया भी शामिल हुई। देखने वालों को तो ऐसा लग रहा था जैसे टीवी सीरियल के किरदार पर्दे से निकलकर अब जमी पर आ गए हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का चुनावी अभियान जोरों पर है। उनका साथ देने के लिए टीवी सीरियल रामायण में मां सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस चुनावी रण में उतरी हुई हैं। मंगलवार को गोविल के रोड शो में दीपिका चिखालिया ने हिस्सा लिया और लोगों से अरुण गोविल को वोट देने की अपील भी की। दीपिका ने इस दौरान क्या कहा, आप खुद सुनिए। भगवान राम देश की सेवा के लिए आए हैं और हम इसीलिए उनका साथ दे रहे हैं। और मैं ये मानती हूँ और समझती हूँ और विनती करती हूँ मेरठ के सभी लोगों को कि आप सभी अरुण जी को वोट दीजिए और बहुमति से जिताइए। जीतेंगे वो जरूर, लेकिन बहुमति से जिताइए। अब एक तरफ तो जहां फिल्मी सितारे जमीन पर थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी के रोड शो में जेब कतरों ने भी नया कीर्तिमान ही बना दिया। कई नेताओं के जेब ही उड़ा दिए। पुलिस के मुताबिक जेब कतरे दिल्ली से आए थे। भीड़ का फायदा उठाते हुए जेब कतरों ने 20 से ज्यादा मोबाइल, पर्स और 36,000 रुपए की नकदी साफ कर दी। बात अब नेताओं के मोबाइल पर्स का था तो पुलिस के भी होश उड़ गए। इधर रोड शो में शामिल लोगों ने हल्ला मचाया तो नौचंदी थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनके पास से चोरी किए गए मोबाइल और नकदी भी बरामद हुई। जानकारी के मुताबिक टीवी सीरियल रामायण के लोगों को देखने के लिए लोगों की भीड़ भारी संख्या में उमड़ी हुई थी। भीड़ में कुछ जेब कतरे घुस गए, जिन्होंने बीजेपी नेता आलोक सिसोदिया सहित कई नेताओं, कई महिलाओं और यहां तक कि पत्रकारों के भी 20 से ज्यादा मोबाइल फोन, पर्स और एक व्यापारी के 36,000 रुपए साफ कर दिए। व्यापारी अपने दुकान पर था, बाहर सिर्फ नारे लगाने के लिए गया था और उसी दौरान उसके साथ ये लूट हो गई। मोबाइल पर्स और नकदी चोरी होने पर लोगों ने शोर मचाया तो नौचंदी पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोच भी लिया। आरोपियों की कार में शराब की बोतल और नमकीन भी मिली है। तलाशी के दौरान उनके पास से करीब 15 मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई है। चुनाव में सियासी बयानबाजियां होनी आम बात है, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने धर्म के आधार पर वोट मांगने को लेकर रोक लगाई हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ संसदीय क्षेत्र से अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाकर सबको ताज्जुब में डाल दिया, क्योंकि अरुण गोविल रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका का निर्वहन कर चुके हैं। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी को भगवान हनुमान भी याद आ रहे हैं। जी हाँ, आज अमेठी में स्मृति ईरानी को भगवान हनुमान याद आ गए। आज हनुमान जयंती है, जिसमें सनातन धर्म को मानने वाले लोग हनुमान जी को याद कर रहे हैं, उनका दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी को भगवान हनुमान याद आए। स्मृति ईरानी ने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने में कहा कि हमको मोदी का हनुमान बनना है और कांग्रेस की लंका में आग लगाना है। अब देखने वाली बात होगी कि अमेठी संसदीय क्षेत्र की जनता स्मृति ईरानी के इस बयान का कितना मान रखती है और अमेठी संसदीय क्षेत्र से किसको अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देती है। कैमरा पर्सन शैलेन पाठक के साथ दिव्यंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। मोदी का हनुमान हमको बनना है, नहीं कह रहे हैं मोदी का हनुमान हमको बनना है, कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पोत से आग लगाना और उस पर जाकर कमल का बटन दबाना है, राष्ट्रभक्त मोदी को जिताना है, नहीं कह रहे हैं जय श्री राम। अब आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।